नीलावंती ग्रंथ की बकवास कहानियों से YouTube भरा पड़ा है। इन घटिया YouTube वीडियोस में नीलावंती के बारे में ये तो बताया गया है कि वो एक यक्षिणी थी और उसका पति एक पिशाच, जो नीलावंती द्वारा लिखे गए ग्रंथ को भरपूर पाने की कोशिश करता है। पर आपको कोई ये नहीं बताएगा कि दरअसल नीलावंती ग्रंथ के अंदर क्या है। कोई ये नहीं बताएगा कि इस ग्रंथ के अंदर कौन सी सिद्धियां दी हुई हैं, कौन से मंत्र दिए गए हैं और कौन से टोने टोटकों का जिक्र है। ये इसलिए है क्योंकि नीलावंती पर वीडियो बनाने वाले लोग झूठ और फरेब का सहारा लेकर अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों, इन सब फर्जी वीडियो बनाने वालों से सावधान हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप बता रहे हैं कि नीलावंती ग्रंथ के अंदर आखिर क्या है, कौन से मंत्र और कर्म कांडों का इसमें जिक्र है, कैसे ऊपरी शक्तियों से संपर्क साधा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक चेतावनी है कि आप इस वीडियो को केवल हेडफोन लगाकर ही सुने। तेज आवाज में इससे सुनने से नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती है और ये शक्तियां आप पर हावी होकर आपको बुद्धि विहीन कर सकती है। लॉजिकल हिंदू इसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं संपूर्ण नीलावंती ग्रंथ सीरीज का पहला भाग। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ बेहद ही पुराना ग्रंथ है। इसकी घिसी पीटी कहानी सुनाकर हम आपको पकाएंगे नहीं। सवाल ये उठता है कि लॉजिकल हिंदू को यह कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम बता दें कि इस ग्रंथ में दिए गए कर्म कांडों की जानकारी हमें एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई एक डायरी के रूप में प्राप्त हुई। ये डायरी उसके एक मित्र मनोज की है, जो लगभग 20 साल पहले मर चुका है। मनोज के पिता का नाम उत्तम सिंह था, वो एक फॉरेस्ट अफसर थे और ये डायरी उत्तम सिंह ने लिखी थी। उत्तम सिंह की मौत ड्यूटी पर हुई थी। तब उनकी ड्यूटी कशेदी घाट, जो महाराष्ट्र और गोवा हाईवे पर स्थित है, वहीं पर थी। उनकी लाश जंगल के बीचों बीच एक बनी गुफा के निकट मिली थी। उनका एक पैर और एक हाथ गायब था। वहां के लोगों का मानना था कि उत्तम सिंह को नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानकारी लग गई थी और इस ग्रंथ में दिए गए एक अनुष्ठान को करने के चक्कर में वो मारा गया। दोस्तों, जब हमने वो डायरी पढ़ना शुरू किया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के पृष्ठ 5 पर पक्षियों की भाषा का जिक्र है। उत्तम सिंह ने उसमें काक यानी कौवे, उल्लू और गरुड़ से बात करने का तरीका लिखा है। डायरी के पहले 4 पन्नों में उत्तम सिंह ने लिखा है कि नीलावंती ग्रंथ की जानकारी उसे एक अघोरी से प्राप्त हुई। उसी अघोरी ने उसे पिशाच लिपि भी सिखाई थी, जिसमें नीलावंती ग्रंथ अधिकांश रूप से लिखा थी। अघोरी ने उत्तम सिंह को यह भी बताया था कि नीलावंती ग्रंथ के कर्म कांडों को अपने मतलब के लिए मत करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। डायरी के पृष्ठ 6 से 20 तक में काक यानी कौवे से बात करने का तंत्र बताया गया है। डायरी में लिखा है कि कौवे पहले सफेद रंग के हुआ करते थे, पर एक श्राप की वजह से काले पड़ गए। कौवे कई सौ सालों तक जीते हैं, इसीलिए आज तक किसी ने उन्हें बूढ़ा होकर मरते हुए नहीं देखा। कौवे लगभग अमर होते हैं क्योंकि नीलावंती ग्रंथ के अनुसार कौवों के पूर्वज अमृत पान करने वाले एकमात्र पक्षी है। डायरी के पृष्ठ 7 के अनुसार नीलावंती ग्रंथ के अनुसार कौवों की 5 जातियां हैं। पहली जाति है ब्राह्मण, इनका लंबा मुंह, लंबी चोंच और लंबा शरीर होता है। दूसरी जाति है क्षत्रिय, क्षत्रिय जाति वाले कौवे की आंख पीले रंग की होती है। इसके अलावा ग्रंथ के अनुसार कौवे वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के होते हैं। डायरी के पृष्ठ 8 में उत्तम सिंह ने लिखा है कि नीलावंती ग्रंथ के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा अपशकुन क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा अपशकुन है किसी भी नर कौवे और मादा कौवे के संभोग को देखना। अगर कोई भी दोनों को संभोग करते हुए देख ले तो 21वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर कोई इसे गलती से देख ले तो उसे 14 दिन तक एक समय भोजन और दिन में 4 समय कौवे को भोजन कराना होता है, पर वो जिंदा तभी तक रहता है जब तक वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। संभोग करने के 21वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। डायरी के 10वें पृष्ठ में कौवे से संपर्क साधने की विधि बताई गई है और यह भी बताया गया है कि किस तरह से कौवे से बातचीत कर उससे अपने कार्य करवाए जा सकते हैं। उत्तम सिंह लिखता है कि कौवों की भाषा सीखने के बाद उसने कौवों से मनचाहा काम करवाया, खाना उठा लाने से लेकर किसी के गले से गहने उड़ाने तक। तो क्या है कौवों से जुड़ा विज्ञान और इनकी लिपि, जो नीलावंती ग्रंथ में खास तरीके से बताई गई है? जानने के लिए देखिएगा इस वीडियो सीरीज का अगला भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।